गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पुराने लफ्जों के साथ शुरू करते हैं एक नई क्लास। कक्षा 8 की गणित आप पढ़ रहे हैं, क्लास 8 मैथ यानी कि 8 ग्रेड का लेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग पहुँच चुके थे। अभ्यास 1 का सी था यानी कि एक्सरसाइज 1 सी क्वेश्चन नंबर था 6 के हैं। टू पार्ट में एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट करेंगे आप, क्योंकि बराबर बराबर का मामला रहेगा। तो करते हैं कैसे, सबसे पहले चिन्ह का अरेंजमेंट कर लेते हैं। 1/6 वैसे लिख लेंगे, ये प्लस माइनस हमने आपको बहुत बार बताया है एकदम दिमाग पंचर करके कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये देखो फंडा अच्छा हुआ ना, इसको थोड़ा ब्यूटीफुल लिख दूँ क्योंकि ज़माना ही ब्यूटीफुल है। अब क्या करेंगे, नीचे नीचे के जो नंबर हैं उनका एलसीएम ले लो भाई। तो एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, ये इन्हीं नंबर का आपको एलसीएम करना है। इसको मैं शॉर्टकट में बता दूँ, 3 × 2 = 6, 5 से काटोगे। ये एलसीएम लेने का थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ। तो 3 × 2 = 6, बाकी वो कट गया 5 से। अब कोई कटने वाला है तो 5 से कटेगा केवल, 2 ऐसे रहेगा बेचारा अकेला। अब ये 3 × 5 = 15, 30, इन सभी का एलसीएम जो है वो 30 हो जाएगा। और 30 कैसे होगा, आप ऐसे भी अंदाज सकते हो कि वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए सभी से, अब बताओ कौन सी होगी। तीनों से कट जाए, 6 से भी कटे, 5 से भी कटे और 15 से भी कटे, और छोटी से छोटी संख्या हो तो हमारे समझ से वो सबसे अच्छी संख्या जो सुंदर सी हो सकती है वो 30 ही होगी। अब आप 30 में जब भाग करोगे 6 से तो 5 आएगा, 6 × 5 = 30, और उस 5 का इसमें गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा। माइनस 5 से भाग करोगे 30 में 6 आएगा, 6 का 2 में गुणा करोगे 12 हो जाएगा, और ये है 15। 15 का जब भाग करोगे 30 में 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। दोस्तों इस समय रात्रि का 1:30 लगभग बज रहा है, आपको अभी हमने लाइव भी दिखाया था, तो अगर कहीं माइंड थोड़ा सो जाता है तो बताना ज़रूर। वैसे कोशिश रहेगी नहीं सोएगा यार, आप लोग हैं साथ में ना। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान देना, प्लस प्लस वाला जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 9 − 12, और ये हो जाएगा 30। उसके बाद क्या करोगे, प्लस प्लस तो जुड़ेगा ना, 5 में 4 जुड़ेगा और −12, इसको घटा लोगे तो ये हो जाएगा −3/30। बात समझ में आ रही, काट दो ना, ये कट गया, −1/10 आ गया। ये था आपका फाइनल में आंसर, कितना मज़ेदार था ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जल्दी से नोट कर लो तुरंत और फिर आगे चलते हैं। देखो जो दूसरा बगल में दिया गया उसको खुद से करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, चलते हैं अगला सवाल पे। ध्यान देना, बहुत जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, टाइम नहीं है, बहुत कम है। देखिए साथियों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत सारे उपहार, ढेर सारे गिफ्ट लेकर के आए हैं सभी लोगों के लिए। अभ्यास 1 कटी आ चुका, एक्सरसाइज 1 कटी, ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तभी समझ में आएगा। ये देखो गुणा का चिन्ह लगा है यानी कि मल्टीपल का, और इसमें चिन्ह भी लगा है, ढेर सारा अड़ंगा एक साथ में है। ढेर सारा अड़ंगा मतलब जानते हैं ना, हिंदी देसी भाषा में बोलते हैं, खोजिएगा डिक्शनरी में कहीं। देखिए ये 9/8 जो पहला है उसको ऐसे उतार लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इनटू का चिन्ह लगा है ना पहला नंबर, तो आप ऐसे ही कान खुजला के सोचो कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो वैसे ही ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे चुपके से मिटा दो, कोई देखने भी ना पाए, ठीक। अब बात ख़त्म, अब क्या करोगे, एक मिनट ध्यान से देखना, गुणा का चिन्ह है ना इसमें, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का कर लो, जो कटे पीटे काट दो, बस हो गया काम ख़त्म है ना, यही तो करना है। तो इसको हम लिखे ही क्यों यहाँ पर, रहने दो, ऊपर ही काट पीट देते हैं, आंसर लिखेंगे बस। 3 से काट दो, 3 × 1 = 3, ये 3 × 3 = 9। हाँ लेकिन ये चिन्ह मत हटाना, नहीं इसको हटा दो चुपके से, गड़बड़ हो जाएगा फिर, सब कोई जान जाएगा चुपके से हटाओगे तो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है नहीं, यहाँ नीचे ऊपर दोनों माइनस था भाई। चल तू भी कर्जे में है, मैं भी कर्जे में हूँ, दोनों लोग लेके भाग चलते हैं, कोई ना जानने पाए। लेकिन अगर एकवा के पास कर्जा है, एकवा के पास नहीं तो बता देगा, बात समझ रहे हो ना। तो फिर क्या होगा, ये 8 से कट जाएगा, 8 × 8 = 8 और 8 × 4 = 32। ऊपर क्या बचा, −3, नीचे 1 × 2, इसमें देखो 4 बचा और ये 1 बचा। अब गुणा कर लो, 4 × 3 हो जाएगा 12, है ना, 12 × 1 = 12 आया, 1 आया, बात समझ में आई। एक सवाल और बताएंगे, जो भी कह दो मैं बता दूं, सब नहीं बताने वाला हूं, चलो इसको बता देता हूं। इसमें क्या करोगे, गुणा का चिन्ह लगा है ना, कुछ भी नहीं करना, उल्टा पुल्टा काट दो इसको, 5 से काटोगे, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, इसको काट दो, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। देखो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन हाँ बगल बगल मत काटना, गुणा का चिन्ह लगा है। तो क्या होगा, ये 1/3
गुड़ा माइनस 5/2, यही तो बच रहा है ना जी। तो बस बचा ही क्या, एकदम हलवा है ना, ये बहुत आसान सा है भाई। 5 का 1 में गुड़ा कर दो तो ये हो जाएगा -5 और ये 3 × 2 = 6। कितना आसान था ना, जल्दी से छाप लो फटाफट, स्पीड में छापिए। कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, तो अकल तो सबके पास है, बस ले करके आया करो, घर पे मत रखा करो। जो 2 सवाल आपको दिए गए उनको घर से करना भूलना मत, होमवर्क जरूर करना, वरना कुछ नहीं होने वाला। फिर सवाल नंबर 2, देखिए क्लास छोटी होगी लेकिन खोटी होगी, याद रखना गागर में सागर होगी बिहारी की रचनाओं की तरह, इसलिए पूरा देखना, 10 मिनट में हम आपको 1000 क्वेश्चन समझा सकते हैं, ध्यान से देखना। कह रहा गुणा कीजिए, इसको गुणा करना है, किससे करना है, -24 से गुणा करना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें प्यार से इसको लिख लो चुपके से, और जहाँ पर को लिखा है वहाँ पर लगा दो गुणा, और बाकी सब कुछ वैसे कर लो बिना किसी लफड़ा के, बिना किसी झंझट के, हो गया ना। अब क्या करना है, कुछ लोगों को बड़ा अड़बड़ा लग रहा होगा, भाई ना आगे नाथ ना पीछे पगाह, क्या करोगे इसमें, आप 1 छिपा दो इसमें, देखो ये भी सुंदर लगने लगा ना। अब क्या करोगे, अब इसको काट दो और ये 6 चौक हो जाएगा 24। आपको पता है भारत में अगर किसी को फांसी दी जाती है तो कोई बीमारी होने पर उसको फांसी नहीं दी जाती, पहले उसका मेडिकल होता तब फांसी होती है, हर तरह से सही करके। तो उसी तरह से क्या है, इसको काटना तो था लेकिन पहले 1 छिपाएंगे, इसको रेडी करेंगे तभी काटेंगे, पहले वैसे काट देते तब भी कट जाता, ठीक ना। लेकिन चलना है भारत के रूल के मुताबिक, क्योंकि आप इंडिया में ही रहते हो ना, भारत में। तो कितना आएगा, गुणा कर लो 7 का 4 में, और जिनको कोई बहुत झंझट लग रहा है वो एक बार फिर से देख लें, ऐसे बनेगा ये, इसकी सूरत देख लीजिए ऐसे बनेगा। गुणा कर लोगे तो क्या आएगा, 7 चौका 28, ये हो गया -28। चाहे तो एक छिपा लो, चाहे तो ना छिपाओ, कोई मतलब नहीं। जैसे आपका पूरा नाम हो कोई भी, तो लास्ट में चाहे उसमें कुमार लगाओ या ना लगाओ, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये -28 हो जाएगा फाइनल में, बस बात ख़त्म। अगला क्वेश्चन खुद से करना, और नेक्स्ट हम आपको ले चलते हैं महासागर में। देखिए मित्रों, आपके DLED के ये कोर्स वगैरह में भी है, ज़रा ध्यान से देखना, कक्षा 8 में है ये जो हम आप इस समय पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के कुछ प्रगुण जो कि आप हर जगह पढ़ते हैं, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमीय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण, इनको हम शुद्ध देसी भाषा में आपको समझाएंगे, बस ध्यान से समझना। पहला संवरक प्रगुण मतलब जानते हैं, संवरक प्रगुण अपने क्या करता है, पूर्वजों का ख्याल रखता है, अर्थात अगर पापा जी की शादी दादा के मन से हुई थी तो उसका जो लड़का है ना वो भी क्या करेगा, पापा के मन से ही अपनी शादी करेगा। बात समझ रहे हैं ना, अपने मन से नहीं खोजेगा। अब इसका मतलब इधर समझिएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है, बात समझ रहे हैं ना। अब आप लोग कुछ ज़्यादा सोच रहे होंगे लेकिन थोड़ा कम सोचिए, इसको देखिए। जैसे अगर 2/7 एक परिमेय संख्या है और 1/3 एक परिमेय संख्या है, दोनों एक रैशनल नंबर है, परिमेय को इंग्लिश में रैशनल बोलते हैं, तो इनका जब हम गुणा करेंगे मल्टीपल करेंगे, ये थे 2/7 = 21, एक रैशनल नंबर ही आएगा, ये इरेशनल नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। अगर पहले से जो सभ्यता चलती हुई आ रही उसका ये पालन करता है, ये नहीं कि भाई जो है अभी तक कुछ और चल रहा था आपके घर परिवार में, बाकी इन लोगों का जो रूल है कुछ और हो गया, लेकिन आजकल समाज में ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, पूर्वजों की हालचाल जो है लोग पीछे छोड़ दे रहे हैं। क्रम विनिमीय प्रगुण, क्रम विनिमीय प्रगुण का मतलब ये हुआ कि चाहे आप इस हाथ से इसमें मारें या इस हाथ से इसमें मारें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, ताली तो बजेगी, चोट भी अगर लगेगी तो उतना ही लगेगी। कुल मिला के मतलब ये है, देखो यहाँ गुणा की बात हो रही है, अगर किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं, ये देखो 12 आया ना, और उनका अगर हम क्रम बदल देते हैं, कुछ लोगों को नहीं बुझा रहा होगा, देखो इधर में 3 लिखा था, 4 इधर लिखा था, इसमें 4 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, मतलब हमने सीरियल बदला ना, मान पे कोई फर्क पड़ा नहीं ना, इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का भी क्या करता है, पालन करता है, यानी कि परिमेय संख्याओं के जुगुणा की संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती है। दूसरा एक नियम है जो उसको भी समझ लेना जरा ध्यान से, नीचे के साइड में इसको हम यहीं पर चाहे तो आपको करके दिखा देते हैं, जो लोग छापना चाहे छाप लें। दूसरा ये है कि जैसे साहचर्य प्रगुण, जरा ध्यान से देखना, जैसे 2/3 दिया है, गुणा 1/7 दिया है, और ये फिर 2/5 दिया है, का 5 दिया है। जैसे कहें कि अगर एक ट्रेन के डिब्बे में आप बैठ के जा रहे हो, तो चाहे आप स्लीपर नंबर 5 में बैठ के जाओ, चाहे स्लीपर नंबर 3 में जाओ, ट्रेन तो पूरी एक ही जगह जाएगी ना, ये तो नहीं कि स्लीपर नंबर 5 जो है मुंबई चला गया, स्लीपर 3 जो है बनारस चला जाएगा, जहाँ ट्रेन जाएगी दोनों इकट्ठे जाएंगे ना, मतलब समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है साहचर्य प्रगुण में
चाहे आप इसको ऐसे हल करो और चाहे आप इसको क्या करो, 2/3 इनको इनके साथ में सेट कर दो भाई, और इनको बाहर कर दो एक दिन के लिए। मतलब समझना, कुछ अंतर जाना ही पड़ा। इसमें 2/3 को इनके साथ इनकी जोड़ी बना दिया, इनको बेचारे को बाहर निकाल दिया। इसमें क्या किया, थोड़ा पल के लिए इनका दिमाग चेंज करके क्या किया, 2/3 के साथ में इनको ला के सेट कर दिया, ये देखो यहाँ पे। और फिर ये क्या हो गए, बाहर हो गए। लेकिन दोनों स्थिति में मान बराबर आएगा, अगर आएगा तो ये जो गुणा की संक्रियाएं हैं वो साचर्य प्रगुण को पालन करती हैं, अगर नहीं आएगा बराबर तो नहीं करती हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। 2 × 2 और ये 3 × 7 = 21, और बाहर वाला जो है इसको भी ले आओ भाई, इसका भी काम हो गया शुरू। तो कितना आएगा, गुणा कर लो, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 = 105, 4/105 आया ना, इसमें भी वही आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 1/5 = 1, तो मल्टीपल कर लो, देखो बड़ा ही प्यार से ये भी वही आ रहा है, 15 × 7 = 105, बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब जो गुणा की संक्रियाएं हैं साचर्य प्रगुण का भी पालन करती हैं, क्रम विनिमय का भी करती हैं और समरक प्रगुण का भी पालन करती हैं। डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में भी ये पूरी कहानी पूरी गाथा है, तो ध्यान से देखना, भागना मत, बस देखते रहना अभी क्या क्या होता है, थोड़ा ही देर में बहुत कुछ हो जाएगा आज। देखिए साथियों, कुछ लोगों को इनकी इंग्लिश की ज़रूरत होगी तो ध्यान से देख लें। गुणन का वितरण प्रगुण, वितरण को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रीब्यूटिव, साचर को बोलते हैं एसोसिएटिव, यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से। क्रम विनिमय मतलब होता है कमुटेटिव, ठीक है, इंग्लिश समझ लेना। देखिए साथियों, इसी भाग दौड़ में हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे, ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है। अभ्यास 1 का ई आ चुका है और ये कह रहा कि बताइए सत्य है कि असत्य है। मतलब कि यहाँ पर देखना, जरा आँख खोल करके देखना ध्यान से, यहाँ बराबर लगा है, जिसे इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं। तो इक्वल है ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, जैसे हम कहें कि इस पेन के बराबर इसकी टोपा है, नहीं है ना, चूँकि ये इतनी बड़ी है इतनी छोटी सी है, बराबर नहीं ना, मतलब ये असत्य है। लेकिन ये तो सत्य हो सकता है ना, बट ऐसे कहने से नहीं हो जाएगा, कह दिए बस, आजकल प्रूफ चाहिए इंडिया में। तो चलो प्रूफ देते हैं, इसको क्या करेंगे, ये माइनस जो भी है वैसे रहने दो, फटाफट इसमें कुछ भी मत करो। देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है ना, ज़रा ध्यान से देखना और इसमें क्या हुआ है। एक बात मैं आपको बताऊँ, आपने पढ़ा होगा वितरण प्रगुण, हमने आपको पढ़ाया था ना, वितरण प्रगुण में क्या होता है, बराबर बराबर बांटते हैं। जैसे अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं और वो मार्केट से 4 बिस्किट लेके आता, तो एक एक देगा सबको, ऐसा नहीं करेगा कि एक को 3 दे दिया बाकी को इसे छोड़ दिया, है ना। तो वैसे क्या किया है, ज़रा ध्यान से देखना, पहले 7/-8 में इसका गुणा किया है यहाँ से लाके, तो ये देखो लिख दिया, और फिर -5/6 का गुणा इसमें से किया और इसको लिख दिया, बीच में प्लस कर दिया, दोनों का मान बराबर ही आएगा। नहीं विश्वास है, चलो हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/-8, नीचे से माइनस हट जाएगा, कभी भी माइनस नीचे नहीं लगता है, और ये -5/6 हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखना, अब कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए इसमें, ये 3/4 हो गया। अब इन चीज़ों को हल करके लाके यहाँ पे रखो, आपको एलसीएम लेना है, किसका किसका लेना है, 8 और 6 का, जल्दी से बता एलसीएम क्या आएगा, 8 और 6 का एलसीएम, ये देखो काट लो ना फटाफट, 2 से कटेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, आ रही मजा कि नहीं आ रही है। अब ये दोनों कटेंगे किसी एक से, नहीं कटेंगे, 2 × 8 = 24, यानी कि 8 और 6 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 24 होगा। तो इसे यहाँ पर हम हल कर ले रहे हैं, फ्रैक्शन को ध्यान देना, इन फ्रैक्शन को हम यहाँ हल कर रहे हैं, 24 आया एलसीएम ना, एलसीएम 24 आया, यानी कि 6 × 6 = 24, 8 × 3 = 24, ध्यान देना, मैं इसको हल कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे तब आएगा, पल्ले पड़ेगा वरना कुछ ना पड़ेगा। 24 एलसीएम हो गया, 8 से भाग करोगे जब 24 में तो 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीपल करोगे तो -21 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, 6 का डिवाइड करोगे किसमें, 6 से जब डिवाइड करोगे 24 को तो 6 × 24 = 4 आएगा, 4 × 5 में गुणा करोगे, 4×5 = 20 हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी कि फाइनल में ये -41/24 आया। हमें याद है कक्षा 8 में जब हमने इसको लगाया था और शायद एक बार गलत हुआ था तो गुरुजी ने सरकड़ी के डंडा मारा था, -41/24 आया ना, और हम अपने गुरुजी से भी आपको एक दिन मिलाएंगे, कितना आया ये, -41/24 आया, है ना, और ये है 3/4, यही तो आया था, कुछ और आया था भाई, अरे देखो इसका एलसीएम 24 आया था, 8 से भाग दिया 3 आया था, तो 3 × 7 = 21 आया था, जब 6 से भाग किया था 4 आया था, 4 × 5 में गुणा किया था 20 आया था, दोनों जुड़ा था, 41/24 आया था, माइनस में आया था, हो गया ना क्लियर।
देखो हमारा दिमाग कभी कभी ना रुक जाता है, इसलिए मैं दोबारा से आपको दिखा दिया और हमें भी समझ में आ गया। अब क्या करोगे, इसको काट दो, 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24, ये हो गया -41/8 और गुणा ये हो जाएगा 1/4। हाँ यही तो था ना, ये कट गया था ना, कटेगा क्या अभी, अब ना कटेगा ये, कोई झंझट नहीं हो सकता है। -41/8 = 32, ज़रा ध्यान से देखना, -41/32 आया ना, उसमें भी वही आएगा, बाकी कुछ ना आएगा, ये और भी आसान है। देखो इसका गुणा करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 × 21 और ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, यानी कि 8 × 4 = 32, और फिर प्लस, ज़रा ध्यान से देखना, देखते रहना, ये कट जाएगा 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये 2 और ये 4, 2 × 4 = 8 और -5 का हो जाएगा गुणा, तो ये बन जाएगा क्या, -5/8 हो गया। फंडा क्लियर, ये अब आप चुपके से इसको लिख लो, -21/32 -5/8। एक बात ध्यान देना, 8 और 32 का एलसीएम 32 आएगा, करके देख लेना, जब 32 का 32 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 21 में गुणा करोगे तो -21 ही रहेगा, 8 का भाग करोगे 32 में 4 आएगा, 4 में 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देख लो, -41/32 आ गया कि नहीं आ गया, डंके के चोप पे आ गया, इसका मतलब सही है। ये देखो, ये भी उतना है, ये भी उतना है, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से, दोनों बराबर है, इसका मतलब सही है ना। ये पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, इसमें कह रहा था सत्य असत्य छांटना, इस तरह से आप जो भी बाकी बचे हुए उनको कर लेना, मैं आपको एक नज़र दिखा दूंगा, बताना जरूर सत्य है कि असत्य है, कोशिश तो करना ना, ऊपर जो सवाल दिया गया सत्य असत्य इसको खुद से करना और बताना करके, एक होमवर्क है आपके लिए। अगला चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह निका कह रहा कि गुणन की क्रिया करके प्रूव्ड कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापित मतलब होता है सिद्ध करना, प्रूव्ड करना, चलिए प्रूव करते हैं, मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। चलो ठीक है, 2 × 2 और ये 2 × 4 = 8 और ये 7 से कटेगा ना, कटेगा आप, कोई ना कटेगा, जो आया है चुपचाप लिख लो, 1/7 × ये माइनस का इतना, ये भाई दो तरह का लिखना कुछ कम अच्छा लगता है, ऐसे हो गया। चलो साथ साथ में प्रूव करते हैं, इसको भी बगल में गिराए जाते हैं, ये भी कट गया बेचारा, -11/4 आया और ये हो गया 1/7, वैसे भी उतना ही आएगा चाहे जहाँ लटकाए रहो इसको, -11/20 हो जाएगा 28 और ये भी वही हो जाएगा, ये देखो 28 लिख दो अब यहाँ पर प्यार से नीचे, LHS ऐसे लिख देना, LHS = RHS, hence proved, PROVED proved, ये हो चुका है। बस आगे देखते जाना, क्लास छोड़ के मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा देखना। देखिए बच्चों, ये अभ्यास ख़त्म होने वाला है, तीसरा सवाल है इसका, चौथा सवाल लास्ट है इस अभ्यास का, वन ई का, फिर 1F शुरू हो जाएगा। कह रहा है कि दिए गए इन क्वेश्चन को जो है बहुत बड़ा सा हेडिंग लिखा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैं आपको बता दूं हेडिंग में क्या कह रहा है। कह रहा, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए तथा संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। तो अभी हमने आपको 3 प्रगुण बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह ना, जिसे बोलते हैं कि आप, वितरण प्रगुण, साहचर्य और संवरक प्रगुण। तो आपने देखा होगा ये सीरियल बदला है, 2/11 इधर है और इधर जो है देखो -3/7 पहले है और इसमें बाद में था, केवल इधर का उधर हुआ है ना, बात समझ रहे हो ना, यानी कि यहाँ पर क्या भरेंगे, 2/11 भरेंगे, क्रम बदला है केवल, कौन सा प्रगुण लगेगा, क्रम विनिमय लगेगा ना, लिख देना। दूसरा वाला खुद से करना नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन बुक में और दिया गया उसको भी कर लेना। चौथा देखिए, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, हमने इसको बता दिया आपको सारा प्रगुण का रूल, अगर खुद से कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं आने वाला, याद रखना। कह रहा सरल कीजिए, तो चलो भाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा बीच में, आप इसके नीचे एक छिपा करके इसको काट पीट सकते हो, तो 3 से काट दो 3 × 3 और ये 3 × 3 = 9, ये -1/1 × -10/3 हो गया into, देखो ये कटेगा, ध्यान से देखना, या नीचे नीचे तो नहीं काट सकते हो, 6 × 6 और 6 × 3 = 18, यानी कि आपका 3/-5 और -1/-1 हो गया। ज़रा ध्यान देना, अब गुड़ा गुड़ा का चिन्ह लगा है, सभी को गुड़ा कर लो ऊपर नीचे, तो 10 का 1 में गुड़ा करोगे और 10 का 3 में करोगे, तो कुल मिला करके फाइनल में आएगा 30, और ध्यान देना
एक माइनस, दुई माइनस, तीन माइनस, जब तीन माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। नीचे देखना, तीन पचे पंद्रह, पंद्रह आएगा ना, लेकिन एक दुई माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तीन माइनस तो माइनस, दुई माइनस तो प्लस, इस तरह से पंद्रह से कट जाएगा, ये पंद्रह दूना तीस, माइनस दो आया, कितना आया, माइनस दो आया। जल्दी से नोट कर लो, और जो बगल में पड़ोसी है ना उसका, उसको खुद से करना दूसरा नंबर, कोशिश तो करना ना। देखिए साथियों, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये क्लास यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 2:05 हो चुका है, अभी आपकी क्लास पब्लिश भी करना है, और 5 बज जाएगा तो 5 बजे आप लोग जग जाएंगे, तो उसके पहले आपको देना है। आप लोग जल्दी से फट से, अगर आज इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर PBR स्टडी इलाहाबाद, मैथ आसान है, और PBR स्टडी ग्रुप, PBR स्टडी इलाहाबाद, PBR स्टडी ग्रुप, मैथ आसान है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर नहीं, आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जाएं, PBR स्टडी सर्च करके लाइक करके फॉलो कर लें। पेड वाली क्लास आप फेसबुक पर फ्री में देख पाएंगे 70% तक। और हाँ, इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी PBR स्टडी सर्च करके फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें, जो जो आप लोग जानते हैं। अगर आपको कोई क्लास यूट्यूब पे नहीं मिल रही, आप व्हाट्सएप की हेल्प चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप पर आप क्लास मंगवाएंगे, व्हाट्सएप पर सारी सुविधा लेंगे, तो आपको व्हाट्सएप की सुविधाओं के लिए 549 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पर फिर आपको कंप्लीट क्लास मिलेगा, हर प्रकार की आपकी हेल्प की जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको 549 पे करना होगा। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखो, एक भी रुपये नहीं देना, देखते रहो बिल्कुल फ्री में, कहीं से भी और कभी भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन बहुत शुभ हो, जय हिंद जय भारत। अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा, 8 बजे से होगी कक्षा 10 की NCERT गणित, और 7 बजे से करंट अफेयर, और 6 बजे से भी बहुत सारी क्लासें होंगी, निश्चित अनिश्चित, 8 बजे वाली क्लास तो निश्चित है। धन्यवाद, और इस क्लास को दोस्तों में शेयर कर देना, किसी की ज़िंदगी में उजाला ला देना मेरे यार, कोई अगर सीखेगा तो उससे हमारे देश का ही भला होने वाला है, और देश का भला होगा तो फिर कुदरत का भी तो भला होगा ना।